नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सरकार। वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन रूपटॉप। दोस्तों, आज मैं आपको ये स्पाइडर प्लांट के बारे में जानकारी दूंगा। तो स्पाइडर प्लांट को कैसे प्लांटेशन करेंगे, ये इसको कैसे आप केयर करेंगे आफ्टर प्लांटेशन, और इस प्लांट को जो है इसके लिए कौन सा सॉइल बेस्ट है, इसका सॉइल प्रिपरेशन भी मैं दिखाऊँगा। तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरा चैनल गार्डन रूपटॉप उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो स्पाइडर प्लांट है ये एक एयर प्यूरीफायर और एक इंडोर प्लांट है। तो इसका जो है बहुत बेनिफिट्स है। उससे पहले जो है ये इस प्लांट का जो मेन खासियत है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होता है वो बहुत ही पॉइजनस है, तो उस गैस को जो है ये क्लीन करता है। तो इस इंडोर में इसको ग्रो करना बहुत ही एक अच्छा है। ये देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है, ग्रीन फोलियज, वेरीगेटेड फोलियज भी है। तो दोस्तों ये इसके लिए जो है प्रॉपर केयर क्या है मैं बताने से पहले मैं आपको दिखाऊँगा इसके लिए सॉइल प्रिपरेशन, सॉइल इसके लिए कैसा चाहिए ताकि इसका जो ग्रोथ है वो मतलब अच्छा हो। चलिए ये देखिए ये जो है सॉइल इसके लिए जो इसका रेशियो है मैं आपको बता देता हूँ। जो ये देख रहे हैं ये गार्डन सॉइल जो है ये 40%, ये कंपोस्ट है 40%, और सैंड जो है ये 20%। तो दोस्तों इसको आप मतलब कहना इसी में जो है ये इसके इसको ग्रो करने के लिए एक तो जो है वेल ड्रेन्ड सॉइल और साथ में जो ऑर्गेनिक मैटर इसमें ज़्यादा होना चाहिए, इसीलिए जो है ये कंपोस्ट आप या तो बर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं या तो काउडंग मैनियर भी आप ले सकते हैं। तो इसलिए 40% जो है ये कंपोस्ट हमने इसमें यूज़ किया। ये जो सॉइल है जो रेशियो मैंने आप बताया ये इसके लिए बेस्ट सॉइल है, आप इसको इसी में मतलब बहुत ही अच्छी तरह इसको ग्रो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसको पहले मिक्स कर लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रीन वाला ये फंगीसाइड्स है, तो इसको जो है थोड़ा 1 टीस्पून मैंने यूज़ किया ताकि ये फंगल डिजीज मतलब जो है इसमें नहीं होगा। तो दोस्तों ये देखिए ये जो है सॉइल मिक्स हो गया। तो दोस्तों इसके लिए जो पॉट देख रहे हैं ये सिर्फ ये जो सीमेंटेड पॉट है, तो इसमें सॉइल को जो है इसमें डालता हूँ। तो दोस्तों ये हाइट ठीक है, अभी इसमें साइड से जो है मिट्टी इसमें डाल देता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये जो मैंने प्लांटेशन कर दिया, तो प्लांटेशन के बाद अब जो सॉइल है आप देख रहे हैं इसको थोड़ा सा इसमें थोड़ा मॉइस्चर है, लेकिन फिर भी मतलब प्लांटेशन के बाद जो है वाटरिंग कर देना चाहिए। तो चलिए वाटरिंग कर दिया। तो दोस्तों अभी जो है इसका जो केयर है ये एज इट इज़ इंडोर प्लांट है, तो आप इसको ऐसे जगह पर रखें ताकि इनडायरेक्ट जो सनलाइट है ब्राइट लाइट है उसी जगह पर इसको प्रेस कीजिए। साउथ फेसिंग जो विंडो है या तो नॉर्थ ईस्ट जो विंडो है उसमें आप इसको उसी के साइड में आप इसको प्लेस करेंगे तो ये अच्छा ग्रो करेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है इसको फर्टिलाइज़र की जब बात करता हूँ, फर्टिलाइज़र इसको आप जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है उसको देने से अच्छा रहता है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है वो बहुत ही मतलब इसके लिए अच्छा है, जैसे काउडंग मैन्योर, देन बर्मी कंपोस्ट, नीम खली, तो ये सारा जो है आप इसको दे सकते हैं। महीना में जो है एक बार आप इसको थोड़ा बहुत जो है फर्टिलाइज़र आप इसको दीजिए। नेक्स्ट जो है दोस्तों इसको डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिए, अगर डायरेक्ट सनलाइट में आप रखेंगे तो इसका जो फोलियज है ये जो आप देख रहे हैं ये देख रहे हैं सूख रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, तो ये ड्राई हो जाएगा, मतलब ये जल जाएगा, ऐसे हो जाएगा पूरा जो है लिप्स जो है ऐसे
ऐसे बन जाएगा। तो आप इसको इसको तोड़ दें। तो नेक्स्ट ज़्यादा सन में अगर डायरेक्ट लाइट में डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इसका बेबी पौधा भी निकलता नहीं है। तो इसलिए आप इसको जो है इंडोर में जहाँ पे ब्राइट लाइट है वहीं मतलब इसको प्लेस करना है। तो आपका जो प्लांट है ये आपका बेबी प्लांट्स भी साथ में निकलेगा और ये बुशी भी बनेगा और बहुत अच्छा ग्रोथ भी करेगा। पेस्ट का प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादातर मतलब अगर होता है तो समटाइम्स मिलीबग और स्केल का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए जो है आप महीना में एक बार अगर आप इसको नीम ऑयल की स्प्रे कर देंगे तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। तो इसको आप भी ग्रो कीजिए। ये देखिए ये जो वाटर है ये ड्रेनेज होल से निकल गया। ये देखिए ये ड्रेनेज होल से निकल रहा है इसका वाटर। तो और अब जो है ये वाटरिंग इसको देख के ही मतलब जब तक ये अपर सॉइल नहीं सूखता है तब तक इसको वाटरिंग नहीं करना है। तो दोस्तों ये जो स्पाइडर प्लांट की जो प्लांटेशन है और इसके बारे में जो मैंने जानकारी दिया, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरा जो चैनल है गार्डन रूफटॉप उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर एक नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू दोस्तों।